प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर फाइनल अकाउंट के अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं, सजल ने निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2016 को समाधान वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो किसका बना रहे हैं? सजल का। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सजल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। इसी तरह बैलेंस शीट ऑफ सजल एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहला आइटम हमारा है, इसमें रह दिया ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक ये होता है 6,400 रुपए का। नेक्स्ट है क्रय एवं विक्रय, टू परचेज अंदर लिखेंगे एंड बाई सेल्स। परचेज एंड सेल्स एक साथ दिया हुआ, तो परचेज का बैलेंस होता है 1,28,000 जो कि डेबिट डेबिट में लिखेंगे। सेल्स 1,75,000 रुपए, ये हमने टोटल किया है सेल। इसके बाद हमें आगत एवं निर्गत वापसी, इसका मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये होता है 480 रुपए का। और सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, इसका बैलेंस होता है 1,200 रुपए। इस प्रकार से हम इन दोनों को घटाकर पता करेंगे। 1,75,000 में से 1,000 गए, 74,200 गए, तो 1,73,800 मेरी नेट सेल्स है। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो 1,27,520 ये मेरी नेट परचेज रही। इसके बाद वेतन दिया गया, तो छात्रों वेतन हमारा कहां लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं इसका डिवाइडेशन कर देता हूं, ये हम बनाएंगे इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। टू सैलरी अकाउंट, कितने रुपए की सैलरी हमने दी है? 25,000 रुपए की। नेक्स्ट है क्रय पर गाड़ी भाड़ा, जब माल खरीदा तो उसका भाड़ा है, तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कैरिज कैरिज इन, कितना रुपया ये हमें दिया है क्रय पर भाड़ा? 1,200 रुपये। इसी प्रकार से हमें विक्रय पर भी भाड़ा दिया हुआ है, तो जो विक्रय पर भाड़ा होता है माल को बेचने पर, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको लिखेंगे टू कैरिज आउट, इनका मतलब माल को लाने का भाड़ा, आउट का मतलब माल को बेचने का भाड़ा, आने का भाड़ा व्यापार खाते में, बेचने का भाड़ा प्रॉफिट एंड लॉस में, यह होता है 1,500 रुपये। अगला है विज्ञापन, ये हमारा एक एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिख दिया एडवर्टाइजमेंट हमारा 2,400 रुपए का है। और इसके बाद कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ, इसका मतलब हमारी इनकम है, तो लिखेंगे क्रेडिट में बाई कमीशन, कितने रुपए कमीशन मिला है हमको? 620 रुपए। अगला हम देखेंगे भवन हमें दिया हुआ है, तो ये हमारी एक एसेट है, तो हम उसको लिखेंगे एसेट में। बिल्डिंग नीचे से शुरू करेंगे, बिल्डिंग हमारी होती है कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। इसके बाद 15,000 रुपए का हमारा होता है फर्नीचर, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे फर्नीचर। यह हुआ हमारा 15,000 रुपए। इसके बाद मशीन हमें दी गई है, तो मशीन नीचे लिख देंगे, मशीन हमारी होती है 20,000 रुपए की। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, मशीन के बाद विज्ञापन का खर्चा है, विज्ञापन में फिर से आ गया, विज्ञापन में दोबारा से लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट, दो बार इसके अंदर विज्ञापन के एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और ये भी डेबिट में है, तो 500 रुपए। हम इसको इकट्ठा एक बार भी लिख सकते थे जोड़ करके। इसके बाद कैपिटल है 75,000 रुपीज की, तो लाइबिलिटी में लिखी जाएगी कैपिटल 75,000 रुपए। कैपिटल के बाद विविध लेनदार और देनदार, तो देनदार का बैलेंस होता है
डेबिट, तो ये आ जाएगा हमारा डेटर्स। डेटर्स में रहे 22,000 रुपए के और क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 25,000 रुपए के। इसके बाद जीवन बीमा प्रदाता इंश्योरेंस है 800 रुपए, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कौन सा वाला है ये? लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं इसको लिख देता हूं लाइफ इंश्योरेंस माइनस। कितने रुपए का इंश्योरेंस है ये? 800 रुपए। इसके बाद बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़ और ब्याज, तो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है ये हमारा आ जाएगा यहां पर कैश एट बैंक और ये कैश इन हैंड, हाथ में रुपये है 10,000 और बैंक में रुपये पड़े हैं 25,000। इसके बाद ब्याज हमें मिला है 20,000 रुपये। इनकम है बाय इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 रुपये। इसके बाद इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो ये भी हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है अर्थात ये ड्राइंग है, माइनस होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का अमाउंट होता है 1,350 रुपये। हम इन दोनों अमाउंट को एक साथ जोड़ करके भी ड्राइंग करके दिखा सकते थे। आयकर के बाद डाक एवं टिकटें 150 रुपए की है, इसको बोलेंगे पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा है 150 रुपए। और अप्रेंटिस प्रीमियम हमें मिला है, ये इनकम है 4,400 रुपए। और लास्ट है सजल की पत्नी का ऋण, जो सजल है इन्होंने अपनी पत्नी से लोन लेकर के रखा हुआ, तो लोन भी इनकी लाइबिलिटी में आएगा। लोन कितने रुपए का लोन है ये? 10,000 रुपए। इस प्रकार से हमने सारे आइटम इसके लिख दिए हैं। लास्ट हमारे पास बचा 31 मार्च 2016 को रहिते का मूल अर्थात क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15,000 रुपए, इसको हम व्यापार खाते में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और एक बार ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ओके, हमने सारे आइटम लिख लिए। अब हम इसके फटाफट बैलेंस करेंगे, सबसे पहले व्यापार खाते को बैलेंस करके देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करेंगे और उसके बाद में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। दोनों तरफ के टोटल बराबर आएंगे तो इसका मतलब होगा हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमने इसका क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये टोटल हमको मिलता है 1,88,800। इस टोटल को हमने डेबिट साइड में इसके नीचे लिखा और इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करी। माइनस करने के बाद हमें जो बैलेंस की अमाउंट मिल रही है वो है 53,680 रुपए और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि किताब में हमें सही मिल गया है। इसके बाद हम 53,680 को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के आएंगे और अब हम ये हमारी इनकम है और ये हमारे एक्सपेंसेस देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो हमें दिखाई दे रही है बड़ी साइड क्रेडिट की है 53,680। टोटल करते हैं 0,0,0, 8 × 2 = 10, कैरी हुआ 1, 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16 और 1 = 17, 3 × 4 = 7 और 1 = 8 और ये 78,700। इसमें से सारी अमाउंट माइनस करूंगा तो देखते हैं क्या हमारे पास बचेगा। तो ये हमने इसका टोटल कर लिया 78,700, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हम ये सारे खर्चे जोड़ लेंगे, मैं जोड़ लेता हूँ 500 500, 1,000 1,400 और 1,550 तो हो जाते हैं ये, और 25 और 1 = 26, 27 और 1 = 28, 28,000 इसमें और ऐड कर दिए, टोटल बन जाता है 29,550। ये मेरे सारे खर्चे हैं स्टूडेंट्स और ये मेरी इनकम है। तो इनकम में से 78,700 में से
माइनस कर देता हूँ 29,550, तो मेरे पास बचेगा 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 बचा, तो 4, 49,150 रुपए, 49,150 रुपए जो कि मेरा नेट प्रॉफिट आ गया है। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 49,150 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल में हमने देखा, सबसे पहले हम ये अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे, 75,000 में से माइनस कर देंगे दोनों को, 13 और 8, 2150 रुपए को माइनस करते हैं तो 0 और यहां पर एक 5 और यहां बचा 8 और यहां पर बचा 2, 72,850, 72,850। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा होता है 49,150, 49,150। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0, 5 और 5 10, 8 और 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 2 12, 7 4 11 और 1 12, 122,000 अभी तक का टोटल करते हैं। अगर दोनों तरफ के टोटल बराबर है तो हमारा प्रश्न सही होगा। तो 3 0 की 3 0 आ गई, 5 और 2 7, 1 2 3 और 2 5 और 1 का 1, इधर का टोटल आता है 1,57,000। इधर का टोटल करते हैं, 3 0 3 0, 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 5 17, कैरी हुआ 1, 1 और 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 6 और 2 8, 8 और 7 होता है 15, 1,57,000। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे दोनों साइडों का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसका लास्ट क्वेश्चन ये किया है, जितने भी क्वेश्चंस तुम लोगों को घर से करने के लिए दिए गए हैं दिन प्रतिदिन, आप उनको पूरा करें। यदि कोई समस्या आती तो मुझे फोन करके पता करें। इसी के साथ में अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले पीरियड में।